स्नोफॉल अभी भी हो रही है डट के। तो ये यहाँ पे मैंने कैंप लगाया था, अभी कैमरामैन अंदर आग सेक रहा है, इसको ठंड लगी है। कितना लगाओ बस? ओह एकदम फर्स्ट क्लास। स्नोफॉल हो रही है और हम बाहर कैंपिंग कर रहे हैं और स्नोफॉल में मैगी खाने का अलग ही मजा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह विद योर प्रेयर। हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आज हम नया एक व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, बट आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हम स्नो कैंपिंग कर रहे हैं। बहुत बारी हमने स्नो कैंपिंग की, बट आज जो स्नो कैंपिंग कर रहे हैं हम, स्नोफॉल हो रही है जस्ट, और इसी में हम स्नो कैंपिंग करने जा रहे हैं। तो बने रहे, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, लाइक टेंट पिच करना है, तो उसमें पता ही आपको स्नो में टेंट लगाना थोड़ा टफ है। तो उसके बाद आग जलाना, कुकिंग करना, वहाँ पे फूड प्रिपेयर करना, उसके लिए टफ चैलेंजेस है हमारे लिए। सो वाटरप्रूफ ड्रेस मैंने पहना हुआ है एंड ये है मेरा इक्विपमेंट। तो फिलहाल हम अपना इक्विपमेंट रेडी करते हैं, बिना देरी के चलते हैं। तो अब हम इक्विपमेंट लगाएंगे। ओके, तो स्नोफॉल कंटिन्यू हो रही है, अब हम रेन कवर लगा देंगे वरना बैग गीला हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इक्विपमेंट हो गया रेडी, ये है टेंट, इसमें बाकी सामान। तो चलते हैं फिलहाल। यहाँ पे कम से कम 1.5 फीट बर्फ है, बस इसी में हम कैंपिंग करेंगे। हम पहले टेंट को बंद कर देंगे क्योंकि अंदर स्नो चला जाएगी। मैं पॉलिथीन हम यूज करेंगे, पॉलिथीन के सहारे हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे। अब मैंने फाइनली अपना टेंट जो है रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो, आप अंदर भी स्नो नहीं आई है, ये देखिए। तो अभी हम कुकिंग करेंगे यहाँ पे। हाँ, इसको थोड़ा स्नो साफ करनी पड़ती है, नहीं तो वरना इधर डैप हो जाएगी स्नो। ओहो, लकड़ियाँ लगाते चलेंगे हम इसमें। ये डल गई मैगी, प्लस पॉलिथीन अंदर, और ये डालेगा अब मसाला। स्पून रखी थी मैंने कहीं, रूम में था मेरे। चल
तो ये बन रही है मैगी। फाइनली मैगी हो रही है रेडी। अब हम इसका करेंगे चेक। ओहो एकदम फर्स्ट क्लास। स्नोफॉल हो रही है और हम बाहर कैंपिंग कर रहे हैं और स्नोफॉल में मैगी खाने का अलग ही मज़ा है। फाइनली आज की कैंपिंग हो गई ओके हमारी। तो अभी देखते हैं इस कैंप को लोग क्लोज करेंगे। टेंट हमने जो पिच किया है, हमने डे कैंपिंग ही करनी थी और डे कैंपिंग ही की। अब हम इस कैंप को क्लोज करेंगे, होप आपको फास्ट में दिखा देंगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्नोफॉल में कैंपिंग करना, बट उतना खास एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास और ना खास इक्विपमेंट था मेरे पास। बट मैंने ये पॉलीथीन यूज़ किया एंड स्नो कैंपिंग की यहाँ पे, और बट फर्स्ट क्लास रहा। अब इंशाल्लाह ऐसे ही कैंपिंग करते रहेंगे हम। अभी 2-3 दिन प्रेडिक्शन है स्नो की, तो अगर स्नोफॉल कंटिन्यू हुआ तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही कैंपिंग करते रहेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने कैंप लगाया था, अभी कैमरामैन अंदर आग सेक रहा है, इसको ठंड लगी है। तो बाकी ये देखिए, ये टेंट लगा है, स्नोफॉल देख सकते हो आप, डट के हो रही है अभी। और आसपास का नज़ारा दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखिए अभी कम से कम 1.5 फीट के आसपास बर्फ है, आगे तो अंधेरा ही है क्योंकि बादल बिल्कुल छाए हुए हैं। और यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि कितनी फास्ट हो रही है स्नोफॉल। ये देखिए, ये यहाँ से ओके। तो यार ये थी मेरी आज की स्नो कैंपिंग। स्नोफॉल अभी भी हो रही है डट के, देख सकते हो आप। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसी कैंपिंग हम करते रहेंगे, अलग एक्सपीरियंस होता है इसका। फाइनली मैंने जो आज कैंपिंग की थी डन हो गई। आप देख सकते हो अभी भी आग सेक रहे हैं वहाँ पर कैमरामैन। तो बर्फ अभी ठीक ठाक हो रही है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कैंपिंग खास कर। अब हम इस कैंपिंग को यही एंड करते हैं। और प्लीज़ सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो करते जाए, शुक्रिया। ये देखिए अभी कम से कम 1 इंच बर्फ जमा हो गई है। ये देखिए